Hello, my dear friends and my dear students. Today we are going to learn the negative structure of present simple sentences. You might be thinking that I have written positive structure also. In the previous video, I had explained how to use the present simple positive sentences. Present simple के जो positive sentences को उसको कैसे use करते हैं या तो फिर किस तरह का सेंटेंस, किस तरह का एक्सप्रेशन देने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस यूज करना पड़ेगा, वो इससे पहले वाला वीडियो में बताया जा चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, प्रेजेंट सिंपल पार्ट वन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव स्ट्रक्चर। उससे पहले दोबारा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, प्रेजेंट सिंपल का जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट प्लस V1 और VS। V1 का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, और VS जो होता है वर्ब का S फॉर्म या ES फॉर्म, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। यहाँ पर जो VS फॉर्म है ये लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अगर कोई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वहां पर हम V1 ना लगाकर VS लगाएंगे। यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया हूं, इसे पहले वीडियो में मैं दिया हूं और एक बार यहां पर दे रखा हूं। देखिए, आई और वी, ये दोनों है जो है ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स होते हैं, आई और वी। यू जो होता है ये सेकेंड पर्सन होता है। इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के ऊपर आइडिया देने की कोशिश करूंगा। आई वी ये दोनों होते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, आई सिंगुलर और वी प्लूरल होता है। सेकेंड पर्सन जो होता है यू, एक ही बस। आई वी और यू ये तीनों को छोड़ के बाकी जितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे प्रोनाउन हो या फिर नाउन हो, उसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बोलते हैं। यहाँ पर माई ब्रदर, ये, दैट मैन, ये दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स हैं। खाली ये दोनों नहीं है, यहाँ पर लिखा गया है ये दोनों, जो आई वी यू को छोड़ के जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं वो सब थर्ड पर्सन हैं। उसमें से अगर सिंगुलर होगा तो वो माना जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। तो एग्जांपल के जरिए चलते हैं। आई टीच इंग्लिश, आई हो गया सब्जेक्ट, टीच हो गया V1, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ये एक्स्ट्रा पार्ट, ये मेन स्ट्रक्चर हमेशा याद रखिएगा कि ये है मेन स्ट्रक्चर। इसके आगे एक्स्ट्रा पार्ट जो भी आप लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। वी गो टू ऑफिस टुगेदर, वी गो हम जाते हैं, या ये V1 लगाया गया। वी गो टू ऑफिस टुगेदर, हम एक साथ ऑफिस जाते हैं। वी गो हम जाते हैं, टू ऑफिस ऑफिस को, टुगेदर एक साथ। यू ऑलवेज कम टू कॉलेज, मैंने पिछले वाला वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट सिंपल में कुछ रेगुलर एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी लगाया जाता है, उसमें से अलवेज है के अलवेज जो कि मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है। यू सब्जेक्ट कम V1, इससे पहले लगाया गया अलवेज। यू अलवेज कम टू कॉलेज लेट, तुम हमेशा कॉलेज लेट आते हो। ओके, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, किसी को कोई बोल रहा है। माई ब्रदर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यहाँ पर लगाया गया कॉल्स, ये है VS फॉर्म। बोलिए क्यों लगाया गया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये है थर्ड सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। माई ब्रदर कॉल्स मी एवरी डे, मेरा भाई मुझे रोज कॉल करता है। फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, दैट मैन, उस आदमी, वो आदमी ने लिव्स, रहता है, ये है VS फॉर्म। यहां पर दो सेंटेंसेस में VS फॉर्म लगाया गया क्योंकि वो सेंटेंसेस में सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। दैट मैन लिव्स विथ हिज फैमिली, उस आदमी ने अपने फैमिली के साथ रहता है, लिव मतलब रहना। यहां पर ES, यहां पर S लगाया गया, VS फॉर्म लगाया गया। ये जो है ये थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लस दे, वो लोग, वे, वो लोग, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, यहां पर VS फॉर्म नहीं लगेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एग्जांपल दिया हूं। दे प्लांट, वो लोग लगाते हैं 100 ट्रीज, 100 पौधे एवरी ईयर, हर साल वो लोग 100 या 100 पौधे लगाते हैं।
तो शायद आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल का अच्छी तरह समझ गया होगा। इससे पहले वाला जो वीडियो, इसके ऊपर मैंने प्रेजेंट सिंपल कहाँ यूज करते हैं उसके बारे में ज़्यादा बोल दिया था, और लास्ट में टाइम को कम रखने के लिए प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव के ऊपर उतना जानकारी नहीं दे पाया था, लेकिन शायद अभी आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। अभी चलेंगे नेगेटिव की तरफ, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वी वन। ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वी वन। शायद ज्यादातर लोगों को पता होगा, आई डू नॉट नो, आई डोंट नो, ही डजेंट कम बोलते हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ये डू नॉट और डज नॉट कहां से आए? पॉजिटिव में तो है ही नहीं। जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस में अगर कोई ऑक्सिलरी हो, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये एक ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी के बाद अगर नॉट बिठाओगे तब वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। इससे पहले बहुत सारे वीडियोज में, जितने दिस इज द 19th वीडियो ऑफ दिस चैनल सामल्स इंग्लिश चैनल, इससे पहले कई बार मैंने बोला हूं, इफ यू वॉन्ट टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, अगर आप एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो, यू हैव टू यूज नॉट, नो और नेवर, कुछ भी, जस्ट आफ्टर द ऑक्सिलरी। नेवर तो नहीं लगता, नॉट और नो लगते हैं, नेवर का अलग रूल होता है। नॉट और नो को आप फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद लगाओगे तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहां पर तो कोई ऑक्सिलरी है ही नहीं, सब्जेक्ट है, फिर वी वन है और वी एस, ये कहां से आ गए डू और डज। यहां पर एक नोट लिखा गया है, नोट है, वी वन इज इक्वल टू डू प्लस वी वन, वी एस इज इक्वल टू डज प्लस वी वन, वी टू इज इक्वल टू डिड प्लस वी वन, एक रूल है। अगर आप वी वन को तोड़ोगे, कोई भी मेन वर्ब का वी वन फॉर्म या बेस फॉर्म को तोड़ोगे, उसमें से आपको डू निकलेगा, फिर वो वर्ब वी वन फॉर्म निकलेगा। जैसे मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा आप लोगों को, आपके घर में एक गेस्ट आए, प्लीज बोर मत होइएगा, गेस्ट आए, आप उनको एक प्लेट में कुछ फ्रूट्स दिए, कुछ बनाना दिए, ऑरेंज दिए, ग्रेप्स दिए, बहुत सारे फ्रूट्स के साथ एक नारियल दे दिए, कोई देता नहीं है, दे दिए, पील्ड बट नॉट ब्रोकन, छिलका निकाला गया है लेकिन तोड़ा नहीं गया, उसको आप रख लिए। गेस्ट फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद आप लोगों को पूछा, पानी, मुझे पानी दो, थोड़ा सा पानी चाहिए, ही वॉन्ट्स वाटर, ध्यान से सुनिए, द गेस्ट वॉन्ट्स वाटर, प्यास बुझाने के लिए, ध्यान से सुनिए। आप बोले कि प्लेट के अंदर ही पानी है, पानी तो है ही, कहां है, नारियल के अंदर, उसको तोड़ोगे पानी निकलेगा और नारियल भी, नारियल का टुकड़ा भी निकलेगा। ठीक वैसे ही यहां पर हमें नेगेटिव करने के लिए ऑक्सिलरी चाहिए, क्या चाहिए, ऑक्सिलरी, नॉट ओनली टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस बट मार्क हियर, नोट, अनदर नोट रिटन हियर, वी कैन नॉट मेक नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विदाउट एन ऑक्सिलरी। अगर एक ऑक्सिलरी ना हो सेंटेंस में, ना हम नेगेटिव बना पाएंगे ना इंटरोगेटिव क्वेश्चन बना पाएंगे। उसके लिए ये जो गेस्ट हमें पानी मांग रहा है, उसी तरह हमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने के लिए चाहिए ऑक्सिलरीज। इस तरफ हमें ऑक्सिलरी चाहिए, उस तरफ गेस्ट को पानी चाहिए, पानी पीने से प्यास बुझेगी, ऑक्सिलरी मिलने से हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बना पाएंगे। तो गेस्ट को पानी यहां पर नारियल तोड़ने से मिल जाएगा, हमें पानी कहां से मिलेगा, ऑक्सिलरी कहां से मिलेगा, हमें जो यहां पर जो सेंटेंस है, समझ लो ये सेंटेंस मैंने लिया, ये वाला, ये लिया, ये एक प्लेट है, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स है, इसके अंदर एक ये है कोकोनट, ये है नारियल, इसको तोड़ेंगे उसके अंदर से पानी मिलेगा, कौन सा पानी, ऑक्सिलरी वाला, जो हमें चाहिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करने के लिए। शायद ये कहानी के जरिए शायद आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर हम वी वन तोड़ेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को तोड़ेंगे, उसमें से कैसा पानी निकलेगा, कैसा ऑक्सिलरी, डू। अगर हम वी एस को तोड़ेंगे, वर्ब का एस फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फॉर्म को तोड़ेंगे, तो उसमें से निकलेगा कौन सा पानी, डज। और वी टू को तोड़ेंगे तो डिड। नारियल भी कितने तरह के होते हैं, किसमें खारा होता है, किसमें मीठा पानी होता है, किसमें सड़ा हुआ पानी होता है, तो वर्ब भी अलग अलग तरह के होते हैं, और उसमें से
ऑक्सिलरीज भी अलग अलग तरह के निकलते हैं. वी वन इज इक्वल टू डू प्लस वी वन, वी एस इज इक्वल टू डस प्लस वी वन एंड वी टू इज इक्वल टू डिट प्लस वी वन. रट्टा मार के याद रख लेना चाहिए. और सबसे जरूरी बात है, ये जो फॉर्मूला प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में ही अप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि बाकी अलग जो सारे सेंटेंसेस है उसमें रेडीमेड ऑक्सिलरीज होते हैं. कभी कभार स्टूडेंट्स ये करते हैं, मैं पढ़ाते वक्त कई बार देखा हूं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आमी जार हैव हैज अलग ऑक्सिलरीज होते हुए भी मेन वर्ब को तोड़ के डू डज निकाल देते हैं. डोंट डू लाइक दिस. वेन एवर द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल फॉर्म, वी डोंट हैव एनी ऑक्सिलरी टू फॉर्म नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इन दिस केस वी हैव टू ब्रेक द मेन वर्ब, वेदर इट इज इन वी वन, वी एस और वी टू फॉर्म. अगर कहीं हमें प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाने हैं तो वहां पर हमें ऑक्सिलरी होते ही नहीं है, तो वहां पर हमें तोड़ना पड़ता है. तो इस एक एग्जांपल मैंने दिया हूं, वी वन का टेक, इसको तोड़ेंगे तो डू प्लस टेक होता है. वी एस का एक एग्जांपल दिया हूं, टेक्स, टेक्स को तोड़ोगे तो डज प्लस टेक होता है. और टुक वी टू फॉर्म, इसको तोड़ोगे तो डिड प्लस टेक. और एक चीज ध्यान देने वाली यह है, डू डज और डिड चाहे जो भी निकल जाए आखिर यहां वी वन ही रह जाता है राइट में. तो यहां नेगेटिव के जरिए कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे. सब्जेक्ट प्लस, यहीं से हमें मिला डू नॉट और डज नॉट. डू और डज हम निकल, यहां देखिए वी वन को तोड़ोगे तो डू वी वन आता है, वी एस को तोड़ोगे तो डज वी वन आता है, डू डज को कॉमन ले लोगे तो वी वन इस तरफ आ गया, और डू और डज के बाद नॉट लगा दोगे तो वो बन गया हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वी वन. आई थिंक इट इज क्लियर. अगर आप कंफ्यूज्ड होंगे थोड़ी पहले फिर रिवाइंड करके पीछे लाके देख सकते हो. एग्जाम्पल है माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त लोग डू नॉट ट्रबल एनी वन. यहां ये वी वन फॉर्म में रहा होगा, इसको अगर आप पॉजिटिव में करोगे माई फ्रेंड्स ट्रबल अदर्स, ट्रबल समन या ट्रबल अदर्स, यहां पर आप ट्रबल को तोड़ोगे तो डू ट्रबल निकला और डू के बाद नट लगा दिए. मेरे दोस्त किसी को परेशान नहीं करते. योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये भी थर्ड पर्सन प्लूरल है. माई फ्रेंड्स थर्ड पर्सन प्लूरल, योर पेरेंट्स थर्ड पर्सन प्लूरल, इसलिए यहां पर डू लगाया गया. और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी, नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जहां जहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो वहां पर डू के जगह पर डज लगेगा. मैं इससे पहले वाला वीडियो में बता चुका हूं. योर पेरेंट्स डू नॉट स्टे विथ यू, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं रहते नहीं है. दिस बॉय, ये जो रेड में लिखा गया यहां पर, ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है. दिस बॉय, ही, इट, यहां पर भी दो रेड में लिखा गया, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है. और यहां जो तीन सेंटेंसेस में जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट वो भी रेड में लिखा गया है. दिस बॉय डज नॉट, दिस बॉय डज नॉट ओबे एनीवन, इस लड़के ने किसी को नहीं मानता. डज नॉट ओबे, किसी को नहीं मानता. ही डज नॉट हेल्प हिज क्लासमेट्स, ही डज नॉट हेल्प, यहां पर क्यों डज लगा यहां और यहां, क्योंकि ये दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है. ही डज नॉट हेल्प हिज क्लासमेट्स, वो अपने क्लासमेट्स को, क्लासमेट्स की मदद नहीं करता. इट डज नॉट ग्रो सो फास्ट, इट डज नॉट ग्रो, ये नहीं बढ़ता. क्या कोई पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई छोटा कुत्ता या कोई मतलब एक अलग तरह के कोई एनिमल या प्लांट या बर्ड किसी के बारे में, ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ता. या फिर चैनल, यूट्यूब चैनल का जो क्या बोलते हैं, इतना तेजी से नहीं बढ़ते, पता नहीं मेरा कितना बढ़ेगा, आप लोगों के ऊपर है. सब्सक्राइब लाइक शेयर करोगे तो बढ़ते रहेगा और वॉच करोगे तो. इट डज नॉट ग्रो सो फास्ट, ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ता. लास्ट वाला, यू डू नॉट सेट, तुम सेट नहीं करते, तुम रखते नहीं द फाइल्स प्रॉपरली, तुम फाइल को कभी ढंग से नहीं रखते. तो इससे हम क्या सीखे, जाता हूं, खाते हो, आते हैं, करता है, देखता है, इस तरह का सेंटेंस को हम प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव बोलते हैं. आता नहीं है, खाते नहीं हो, करते नहीं हो, ऐसे कर, इस तरह का सेंटेंस को हम नेगेटिव बोलते हैं. मैं यहां वहां जाता नहीं हूं, वो यहां पर आते नहीं है.
तुम ढंग से काम करते नहीं हो, आप लोग मेरे वीडियो देखते हो, देखते नहीं हो नहीं बोलता, आप लोग मेरे वीडियो देखते हो, हर रोज देखते हो, तो ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड तक हर एक वीडियो में, यहाँ इसी वीडियो के लास्ट में बोलना चाहूँगा, हर एक वीडियो को आप एंड तक देखेंगे, गारंटी आप लोगों को कुछ ना कुछ तो मिलेगा, चाहे अगर आप पहले से सीखे हुए हो तो कंपलसरी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जैसे कि मेरे ख्याल से ये जो फॉर्मूला आप लोग जाने होंगे, आई गो देयर आई डू नॉट गो देयर, आई गो देयर आई डू नॉट गो देयर कैसे हो गया, डू कहां से आ गया, तो यहां ये जो नोट आप लोगों को यहां पर एक नई जानकारी मिली होगी। तो इस तरह वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।